शहर के ही अपराधियों के द्वारा अंजाम दी जाती है, या यूं कहें कि अपराधी करते हैं अनुसंधान। ये मामला सुनने में थोड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन एक पीड़िता द्वारा ये गंभीर आरोप लगाया गया है। रांची में थाने में अपराधी लिखते हैं केस डायरी, केस के बहाने दोस्ती कर ब्लैकमेल का आरोप। मामला राजधानी रांची के जगन्नाथपुर थाने का है। अपने पिता के कातिल को सजा दिलाने के लिए थाने का चक्कर काट रही महिला ने एक निलंबित पुलिसकर्मी पर केस डायरी लिखने का आरोप लगाया है। आरोपी पुलिसकर्मी आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की वजह से निलंबित है। वो एक मतलब कोई पुलिस विभाग में है नहीं, वो पहले कभी था 10 साल पहले, फिर वो वहाँ से डिसमिस किया गया हुआ है और 2 साल जेल में भी रहा है किसी क्रिमिनल केस में। तो ये सारी चीजें पता चली मुझे। निलंबित पुलिसकर्मी वाहन चोर गिरोह चलाने का आरोपी मुकेश वर्मा है। मामला तब पकड़ में आया था जब उसके खिलाफ 22 साल की युवती ने दुष्कर्म का केस दर्ज किया। मेरी बेटी 22 साल की है और अपने वो 27 साल का है, उसी का वो जॉब दिलवाने के बहाने वो उसको अपने घर ले जाता था और उससे गलत काम करता था उसके साथ में। यही मामला था सर। और क्या वो आपराधिक प्रवृत्ति का है? अगर हम उससे डायरी लिखवाते हैं तो किसी भी महिला का या किसी का भी डायरी वो अगर लिखता है घर में बैठकर, तो उसके साथ छेड़छाड़ हो सकती है डायरी के साथ। वो उसमें से नंबर निकालकर महिलाओं का या बच्चियों का फोन कर सकता है, ब्लैकमेलिंग कर सकता है, कुछ भी कर सकता है अगर उसकी नीयत यही है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मुकेश वर्मा को जेल भेज दिया है और मामले की तफ्तीश शुरू हो चुकी है। लेकिन आरोपी द्वारा केस डायरी लिखे जाने की बात पर हटिया एसपी का कहना है कि हालांकि मामला जांच के दायरे में है, लेकिन अभी ऐसी किसी भी बात की पुष्टि नहीं हुई है। तो मामला इतना गंभीर था तो तुरंत जो है थाना ने उसे गिरफ्तार किया, FIR हुआ और उसे जो है फिर फॉरवर्ड किया गया है। बहरहाल महिला द्वारा लगाए गए इस आरोप की हकीकत कितनी है ये तो जांच के बाद पता चल जाएगा, लेकिन अगर वाकई इस आरोप में सत्यता है तो ये गंभीर विषय है और आरोपी पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कामरान जलीली, जी मीडिया।